नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस सीधी बात करूंगा, अगर आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस से अपने लॉस हुए डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आपको अपने फोन को रूट ना करना पड़े तब भी यही वीडियो आपके काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक और अमेजिंग टूल मैं यहाँ पे आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ, जिसके फीचर्स काफी अमेजिंग है। बहुत ही शानदार तरीके से बिना आपके फोन को रूट किए आपके फोन से उस डेटा को खींच लाता है जिसे आप खो बैठे थे। ठीक है, तो अगर आपके लिए आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं अपने डेटा को रिकवर करना, क्योंकि आजकल वैसे भी जो फोन की इंटरनल मेमोरी है ना वो 128 GB, 256 GB, 512 GB तक हो गई है, तो जितना ज्यादा डेटा होता है उतना ज्यादा लॉस होता है और उतना ज्यादा दिल में दर्द होता है। तो उस दिल के दर्द को कम हम करेंगे आज यूजिंग अमेजिंग टूल। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा सिस्टम में चलते हैं। आपको तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है चीजों को। ओके, तो कैसे क्या रहेगा देखते हैं। आपको सीधा गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है यहाँ पे एनी रिकवर। ठीक है, एनी रिकवर आप सर्च करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट आएगी www.anyrecover.com की। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके का ये इंटरफेस रहेगा। हालांकि यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको जाना है प्रोडक्ट्स में नीचे डेटा रिकवरी ऑन एंड्रॉइड पे। रिसेंटली मुझे इस टूल को यूज करने का मौका मिला क्योंकि मुझे जरूरत थी एक अपने कुछ एंड्रॉइड डिवाइस से इंपॉर्टेंट डेटा को, इंपॉर्टेंट फाइल्स को, ऑफिस की कुछ फाइल्स को रिकवर करने की। तो मुझे इस टूल को यहाँ पे यूज करना पड़ा, इसको परचेज भी करना पड़ा, तो मैं इसका फुल वर्जन यूज कर पाया। तो मैंने सोचा इतनी अच्छी वर्किंग है तो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। तो देखिएगा जरूर इसको, क्योंकि आप इस टूल की हेल्प से बिना परचेज किए फ्री में एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा डेटा खोआ था, और आपको एक तरीके का प्रीव्यू मिल जाता है कि हाँ मेरा डेटा रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर आप अगला स्टेप भी ले सकते हैं। तो हम यहां पे चलते हैं एंड्रॉइड डेटा रिकवरी पे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर पेज पे आ गए, इस पर्टिकुलर टूल के पेज पे आ गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एनी रिकवर फॉर एंड्रॉइड यहाँ पे लिखा हुआ, एंड्रॉइड 15 को सपोर्ट करता है। ट्राइड फ्री फीचर यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्राइड फ्री पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस टूल को डाउनलोड भी कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं यहाँ पे जो इसके वेब पेज पे अवेलेबल है। 20+ एंड्रॉइड डेटा विदाउट रूट आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप अटैचमेंट ही क्यों ना हो, व्हाट्सएप डेटा भी यहाँ पे रिकवर कर पा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल लॉग्स, फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर्स, वाईफाई पासवर्ड, गूगल हैंगआउट्स, कस्टम फाइल्स, म्यूजिक, बुक्स, जिप फाइल्स, एपीके फाइल्स, सब कुछ कुल मिलाकर आपका जो जो लॉस हो रहा है ना, आप सब कुछ उसको रिकवर कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। इसके अलावा किन किन सिनेरियो में आपका लॉस हुआ डेटा रिकवर हो सकता है, भाई सिस्टम क्रैश हो गया, रूट कर रहे हो तब क्रैश हो गया, डैमेज हो गई सिस्टम की सभी फाइल्स, तो आप तो उस सिचुएशन में आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, आपने गलती से डेटा को फॉर्मेट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आप रिकवर कर सकते हो। वायरस अटैक हो गया फोन में, मजबूरी हो गई फोन को फॉर्मेट करना, डेटा रिकवर कर सकते हो। वाटर की वजह से डैमेज हो गया फोन, ब्रोकन कंडीशन में तब भी आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन ये सैमसंग के फोन के साथ ज्यादा अच्छे से ये फीचर वर्क करता है। पासवर्ड भूल गया अपने फोन का, डेटा को फॉर्मेट करना पड़ा, मजबूरी हो गई, रिकवर कर सकते हो। ब्लैक स्क्रीन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, जेल ब्रेकिंग, अनेबल टू सिंक्रोनाइज बैकअप, एसडी कार्ड फेलियर हो गया, ब्रोकन स्क्रीन कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 6000 से ज्यादा एंड्रॉइड डिवाइसेस को ये टूल सपोर्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर किन किन चीजों की टेक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई, किन किन चीजों की जरूरत होगी इस टूल को डाउनलोड करने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। सीपीयू, रैम, कंप्यूटर ओएस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक के लिए भी टूल अवेलेबल है, खास बात यह है हार्ड डिस्क स्पेस आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 200-300 MB की चाहिए, और एंड्रॉइड वर्जन ओएस 2.0 से लेके 15 तक लेटेस्ट वर्जन तक ये रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि ये टूल आपके लिए वर्केबल रहेगा या नहीं रहेगा, अभी काम कैसे करेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हम इस टूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डाउनलोड रहा था हमारा टूल, यस करा और इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये टूल हमारे सिस्टम में डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, फिर आगे फर्दर प्रोसेस पे चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से टूल काम करने वाला है। जब तक ये टूल इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हाँ ठीक है, जो मैं यहाँ पे फोन यूज लेने वाला हूँ एंड्रॉइड डिवाइस, उसकी क्या कंडीशन है, उसमें कुछ डेटा है या नहीं है। तो मेरे पास जो अभी एंड्रॉइड डिवाइस है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे एंड्रॉइड डिवाइस एक एंड्रॉइड टैबलेट है जिससे मुझे डेटा रिकवर करना अपना इंपॉर्टेंट डेटा। अगर मैं इसकी फाइल मैनेजर में जाकर आपको दिखाऊं तो इमेजेस आप देख सकते हैं 0 है, वीडियो जो है वो एक रीसेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लिप है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट फाइल्स जरूर हैं कुछ, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको मैं ट्रैश में जाके भी दिखा देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैश में डेटा होता है तो ट्रैश से रिकवर करके लोग दिखा देते हैं, नहीं यहाँ पे ट्रैश भी खाली पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैश भी एकदम खाली पड़ा है, और इसी खाली जगह से हमें डेटा रिकवर करके खींच के लाना है। वो प्रोसेस मैं आपको इस टूल की हेल्प से बताऊंगा। तो यहाँ पे टूल अभी इंस्टॉल हो रहा है तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल हमारा इंस्टॉल हो चुका है, स्टार्ट नाउ का यहाँ पे बटन हमारे सामने आ चुका है। स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं और फर्स्ट झलक में आपको इस टूल की दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है,
और अभी तक मैंने आपके सामने इस टूल में कोई भी अपने क्रेडेंशियल से कुछ भी लॉगिन नहीं किया है। जैसे आप यूज करेंगे इस टूल को वैसे ही मैं आपको यूज करके बता रहा हूं और आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि हाँ फ्री में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो विजिबल हो सकता है, रिकवर हो सकता है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं इस टूल को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी डिवाइस में, क्योंकि हमने अपने पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, लेकिन पीसी से फोन में कम्युनिकेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन को ऑन करने की। हालांकि ये जो ट्यूटोरियल है ये टूल में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं साइड में मेरे स्क्रीन पे, यहां पर मेरा टैबलेट मैं यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉइड टैबलेट, और यहां पर यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे सबसे एकदम एंड में ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम में जाएंगे, देन यहां पर आपको अबाउट टैबलेट ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें जाएंगे, आपके फोन में हो सकता है अबाउट फोन ऑप्शन नजर आए, और सभी फोन में ये जो सेटिंग है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी, और अभी मैं बता भी दूंगा कि आपके फोन में कैसे मिलेगी। ओके, लेकिन यहां पर अभी मैं अपने फोन की बात करूं, अपने टैबलेट की बात करूं, तो इसमें जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर नजर आएगा। बिल्ड नंबर पर आपको 7 टाइम्स, आपको 5 to 7 टाइम्स आपको लगातार टैप करना है, फिर आप बन जाते हैं अपने फोन के या फिर टैबलेट के या फिर एंड्रॉइड डिवाइस के डेवलपर। डेवलपर बनते ही यहाँ पे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन अनलॉक होगा जो कि रहेगा डेवलपर ऑप्शंस का। इस डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डिबगिंग का, और आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हेल्प करेगा आपके पीसी और आपके फोन के बीच कम्युनिकेशन बैठाने में, क्योंकि आप अपने फोन को रूट कर नहीं रहे तो आप ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये डेटा रिकवर कैसे करेगा, ये क्या करेगा, आपके फोन के साथ कम्युनिकेट करेगा यूजिंग यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन। आपके फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, उसकी हेल्प से ही डेटा रिकवर करेगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी पता चल जाएगा। यूएसबी डिबगिंग हमने ऑन कर दिया, तो चलिए आप अपने फोन को अपने पीसी से डेटा केबल की हेल्प से कनेक्ट भी कर देते हैं। कम्युनिकेशन होगा कैसे, वायरलेस नहीं, यहाँ पे डेटा केबल की हेल्प से कम्युनिकेशन होगा। डेटा केबल की हेल्प से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो फोन में नोटिफिकेशन यूएसबी डिबगिंग कनेक्टेड यहाँ पे लिखा आ रहा है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे अपने फोन में या फिर टैबलेट में एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे कि आप किस मोड के थ्रू अपनी डेटा केबल को यहाँ पे यूज लेंगे, तो आप उस पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शन मिलेंगे, फाइल ट्रांसफर, यूएसबी टेथरिंग वगैरह। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पीटीपी या फिर एमटीपी, तो आपको अगर एमटीपी नजर आए तो आपको एमटीपी सिलेक्ट करना, पीटीपी नजर आए तो आप पीटीपी सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे पीटीपी सिलेक्ट किया और मेरे पास मेरे पीसी में ऑप्शन भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, लेनोवो टैब कनेक्टेड। ओके, अब मैं अपने टूल को ओपन करता हूं, ये देखिए ये मेरा पीसी, मैंने इस टूल को ओपन करा और रिकवर फोन डेटा को आपको यूज लेना है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे अदर ऑप्शन भी मिल रहे हैं, गूगल ड्राइव से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स भी आप रिकवर कर सकते हैं, ब्रोकन फोन से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे सैमसंग फोन के साथ ज्यादा बेटर काम वर्क करता है, मैं आपको पहले बता दूं। व्हाट्सअप डेटा भी आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हम फोन डेटा, कंप्लीट फोन डेटा यहाँ पे रिकवर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रिकवर डेटा पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे फोन में, मेरे पे टैबलेट में एक नोटिफिकेशन आया, अलाउ यूएसबी डिबगिंग, ठीक है, इसको आपको अलाउ करना, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहां पर आपके पीसी में जो ऐप आपने रन कर रखी है डिबगिंग अलाउ करने पे, आपके पीसी का जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक कोशिश करेगा कि आपके फोन में या फिर डिवाइस में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, तो अभी उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एनेबल यूएसबी डिबगिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखा रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आप अपने फोन में कैसे यूएसबी डिबगिंग ऑन कर सकते हैं। नीचे ये भी ऑप्शन आ रहा है कि एंड्रॉइड वर्जन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ किस एंड्रॉइड वर्जन में क्या स्टेप्स रहेंगे। इसके अलावा आप अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अकॉर्डिंग टू ब्रांड यानी कि जिस कंपनी का आपका फोन है उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके आप स्टेप्स देख सकते हैं कि कैसे यूएसबी डिबगिंग ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपको ऑप्शन ना मिल रहा हो। इसके अलावा एमटीपी और पीटीपी मोड आपको सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको आपसे सिलेक्ट करवाया, तो आपको यहां से चेक कर लेना कि यहाँ किस तरीके से ऑप्शन आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक डिवाइस नजर आ रहा है जिसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 1718, मेरा फोन ही है, लेकिन यहाँ पे आप मेरे फोन में देख रहे हो यहाँ पे ये जो टूल है मेरे फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना चाह रहा है, एनी रिकवर फॉर एंड्रॉइड, लेकिन ये जो मेरा फोन है ना इसका सिक्योरिटी फीचर इस ऐप को इंस्टॉल नहीं होने दे रहा। ये दिक्कत कई यूजर्स के साथ आएगी, इसलिए मैंने इस दिक्कत को वीडियो में भी बरकरार रखा है, मैंने इसको स्किप नहीं किया। ओके, क्योंकि आपके फोन का एक ऐसा गूगल प्ले प्रोटेक्ट फीचर होता है जो किसी अननोन ऐप को इंस्टॉल नहीं होने देता, लेकिन भैया मुझे अपना डेटा रिकवर करना है तो मुझे ऐप तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना, तो आप क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे, आप अपने फोन की प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर आप अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, उसमें जाएंगे, देन प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, प्ले प्रोटेक्ट में जाएंगे, प्ले प्रोटेक्ट में जाने के बाद आपके पास ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाएंगे और यहां से स्कैम एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट पे आप टर्न ऑफ कर देंगे, सेटिंग को टर्न ऑफ करेंगे, टर्न ऑफ करने के बाद ये दोनों सेटिंग सेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी।
बैक आएंगे। अब आप यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उसको ऑफ करा तो यहां पर जो मेरा पीसी है उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑटोमेटिकली ओके हो गया। यानी कि ये जो फीचर था प्ले प्रोटेक्ट का फीचर, ऐप को इंस्टॉल नहीं होने दे रहा था, लेकिन अब ये फीचर आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर मुझे क्विक स्कैन और फुल स्कैन का ऑप्शन नीचे मिल गया। हो सकता है कि आपके में प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन ही ना है, तो आप सीधा उसमें पहुंच जाएंगे। ओके, तो मैं फुल स्कैन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली आपके में फुल स्कैन ऑप्शन आ जाएगा। और ये क्या करेगा, आपके फोन में जो एपीके इंस्टॉल हो रही है या फिर हुई है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन में क्या आया, टैबलेट में क्या आया। यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड में डेटा रिकवरी असिस्टेंट का पेज आ गया है और अलाउ करने के लिए बोल रहा है। तो आपको जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ रहे हैं, एक्सेस आ रहे हैं, सभी को अलाउ करना है, डिनाई नहीं करना है। डिनाई करोगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये स्क्रीन अगले उस समय तक आपके फोन पे रहेगी जब तक आपका डेटा रिकवर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम में आ जाना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब आपको अपने फोन में कुछ नहीं करना, सभी एक्सेस आपने दे दिए, बस आगे बढ़ते रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको अपने पीसी का नेट भी डिस्कनेक्ट करके बता देता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार नेट की कनेक्टिविटी है, कुछ नुकसान ना हो जाए, नेट डिस्कनेक्ट कर दिया, नेट कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पीसी में नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जस्ट एक और नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास, मेक श्योर यू हैव डन ऑल द ऑथराइजेशन। तो हमने सभी को यस किया, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग चालू हो गई है। अब मेरे फोन से डेटा रिकवर होना शुरू हो गया। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि फोन में कोई भी इमेज नहीं है, ना ट्रैश में है, ना कोई वीडियो है, लेकिन यहाँ पे काफी कुछ मुझे रिकवर करके दिखा रहा है, ठीक है। फैमिली की फोटो आ रही है, दोस्तों के फोटोज आ रही है, वीडियोज भी आ रहे हैं, काफी कुछ यहाँ पे रिकवर करके दिखा रहा है। और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगराइज्ड वे में यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो कितने रिकवर हो चुकी है, वीडियो कितना रिकवर हो चुका है, ऑडियोज कितने रिकवर हो चुकी है, कॉन्टेक्ट्स कितने आ गए, डॉक्यूमेंट्स कितने आ गए, ये सभी इन्फॉर्मेशन मुझे कैटेगराइज्ड वे में मिल रही है। साथ ही मुझे प्रीव्यू भी मिल रहा है। और यहां तक का जो काम है ना वो एकदम फ्री है, आपको एक सिंगल रुपया खर्च नहीं करना ये चीज देखने के लिए कि ये जो टूल है वो आपके डेटा को देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। देख पा रहा है तो भैया रिकवर भी कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी चीजें यहाँ पे आ गई है, कॉन्टेक्स्ट भी आ गए हैं, डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं। अब समय आ गया है इनको रिकवर करने का, और रिकवर करने के भी दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, रिकवर टू डिवाइस और रिकवर टू पीसी, ठीक है। तो रिकवर टू डिवाइस मतलब सीधा फोन में रिकवर करेगा, रिकवर टू पीसी मतलब पीसी में आप रिकवर कर सकते हो। और अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप आपसे कहेगा कि भैया आपको रिकवर करना है तो परचेस कर लो। तो टेस्टिंग के यही फायदा, मैंने टेस्ट करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 month प्लान भी है, लाइफ टाइम प्लान भी है, 1 year प्लान भी है। लॉगिन कर लेता हूं मैं अपने अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और आपका VIP मेंबर में यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। और अब यहाँ पे आप अनलिमिटेड अकाउंट या अनलिमिटेड रिकवरी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ रिकवर टू दिस पीसी, देन उसके बाद ये ऑप्शन वर्क करता है। ब्राउज पे जाऊंगा, ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पर कहाँ पर मुझे डेटा रिकवर करना है वो सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन सिलेक्ट करी, अपना नया फोल्डर बनाया, एंड्रॉइड डेटा रिकवर के नाम से सिलेक्ट किया और रिकवर पे क्लिक कर दिया। खास बात यह है इस टूल की कि यहाँ पे अब रिकवरी के टाइम यहाँ पे वापस से प्रोसेसिंग नहीं देता, जो पहले स्कैन किया अब जस्ट उसको फोल्डर में डालना है। बहुत ही सेकंड में, चंद सेकंड में, मुश्किल से आधे सेकंड में ये काम हो गया। और आप देख सकते हैं पूरा डेटा मेरा यहाँ पे आ गया है, मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ, सभी चीजें फोटोज वीडियोज वगैरह और डॉक्यूमेंट वगैरह मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस ये जो डेटा रिकवरी प्रोसेस है ना ये काफी आसान हो गया, जस्ट आपको इसको यूज करना है। प्रॉपर तरीके से कनेक्शन को आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा, किसी तरीके कोई एरर आता तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आपको सभी ऑथराइजेशन यहाँ पे अलाउ करने, USB डिबगिंग ऑन करने के बाद। कैसा लगा आपको ये टूल आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा, एटलीस्ट आप इसको यूज जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा यूज करके, अगर आपका डेटा लॉस हुआ तो अभी डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि वो रिकवर हो सकता है। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।